दोस्तों तो कैसे हैं आप? गाइस, मैं आपके सामने एक नए मूवी के ट्रेलर के साथ आया हूँ। मूवी का नाम है खजूर में अटके। गाइस जी, गाइस जैसा कि नाम है खजूर में अटके। सो गाइस, मूवी काफ़ी फनी है। गाइस आपको पता है, हर्ष छाया ने गाइस की पहली बार ये मूवी को डायरेक्ट किया है और लिखा भी इन्होंने ही है। गाइस मूवी काफ़ी ऑसम है। गाइस काफ़ी फनी है। मूवी की स्टोरी इस तरह से है कि गाइस जिस तरह से इंडियन रिलेटिव्स होते हैं, गाइस एक्चुअली एक पर्सन जो है वो बीमार है, मुंबई में रहता है और वो जो है मरने वाला है और सारे रिलेटिव्स को उनके बारे में पता चलता है। यहाँ पर दो परिवार हैं, उन परिवारों को उनके बारे में पता चलता है तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड उनकी प्रॉपर्टी में होते हैं, ना कि उनकी सेहत में। सो इसी पर बेस्ड ये फनी और काफ़ी कॉमेडी मूवी है गाइस। गाइस ऐसी जो मूवी है आपके अंदर के रिलेटिव को भी आपके सामने रखेगी, दर्शाएगी आपके आपके व्यूज भी। मुझे लगता है ये मूवी से काफ़ी सीखने लायक चीज़ें आपको मिलेंगी। और बोलते हैं कॉमेडी के साथ साथ गाइस काफ़ी सीरियस चीज़ें भी हैं गाइस, जो इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने मिलेंगी। हर्ष छाया एक ऑसम एक्टर हैं गाइस। अभी उन्होंने इनकी पहली मूवी है गाइस खजूर में अटके, और काफ़ी मजे हुए कलाकारों को लेकर उन्होंने ये मूवी बनाई है और मुझे लगता है मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस। पता है मनोज पासवा, विनय पाठक गाइस, सीमा पासवा, इन सभी लोगों से कैरेक्टर से गाइस भरपूर टैलेंट है गाइस इस मूवी में। पूरा फुल पैक है गाइस लाफ्टर का। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है ये मूवी देखकर। आप काफ़ी बोलते हैं अच्छा फील करेंगे मूवी देखने के बाद। सो पहले हम इसका ट्रेलर स्टार्ट करते हैं गाइस, उसके बाद रिएक्ट करेंगे मूवी के बारे में। स्टार्ट करते हैं खजूर पे अटके। ओके मेरा भाई है ना, तुम्हारे घर से कोई होता तो पता लगता। मेरा भाई है, लगाओ एक एक पैसे का हिसाब। चार चार टिकट है, कितने महंगे मिले, क्या हिसाब है। बस हम सब कल सुबह मुंबई जाएंगे। अरे तो क्या अभी दौड़े चले जाओगे? आज रात के मुंबई के फ्लाइट का कितना हो जाएगा, और कल रात का और परसों रात का? पैदल ही चले जाओ, मुफ्त में पहुंच जाओगे। बताओ अभी तो जिंदा है, आ गया पूरा खानदान माता मनाने के लिए। मुझे पक्का पता था दौड़ी दौड़ी आओगी। आलोक का जैसे ही फोन आया मेरे तो ऐसा दिल घबराया, मैंने कहा कोई हिसाब हिसाब मत देखो, प्लेन की टिकट कराओ। पता है दुगने दाम की टिकट मिल रही थी। बहन कोई बात, चुप चुप हो जाओ दोनों बहने। फ्लैट का कुछ पता चला? कुछ नहीं होगा देखो मेरे को। फैमिली फीलिंग की जल्दी सबसे दिमाग खराब करके अरे छुट्टी है आज, दादा ने कहा कि आने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, तो हीरोइन बनने के लिए आज पैदा हुए रे। चल छुट्टी, एक लड़का मेरी नजर में है, आपकी लड़की को बहुत सूट करेगा। यार एक तो पापा का कुछ पता नहीं चल रहा, ऊपर से ये सारे जो सर पे इकट्ठा हुए पड़े ना। मुंबई आके गेट देखने के लिए जाओगे तो डांस बार जाएगा? अबे नहीं नहीं गलत है यार, चाचा बीमार है। Let's wait for 3-4 days and then we'll take a call. Call. Oh my God. Devu गया। Devu भैया। कैसे कुछ नहीं हुआ मेरे भाई को? कैसे मेरा भाई ठीक है? तेरा भाई ठीक? नहीं। कैसे लोग आ गए ले शोक मनाने को? फैमिली किधर है यार? पंडित जी वो बॉडी नहीं है। बॉडी नहीं है मतलब? बॉडी है, डेड बॉडी नहीं है। अरे यार क्या रहे तू? क्या रहे, ये पूरा खानदान आइटम है? ऐसी खामखा जल्दी करी, दौड़ा के ले आए हम सबको, ऐसा कुछ था भी नहीं। एक काम करो, आईसीयू जाके जितनी नलियां ट्यूब है उसके लगी है ना, सांस की ब्लड की सब खींच डालो। हटा।
सच कहूँ तो गाइस इस मूवी में हंसते हंसते लोगों की रियलिटी बताया गया है गाइस, रिलेटिव्स लोग जो आपस में जो लोगों की सेल्फिशनेस है गाइस वो दिखाई गई है रियलिटी में गाइस, लोग इसी तरह के हो गए हैं काफ़ी हद तक मैं ऐसा मानता हूँ। आज कल का ज़माना जो है वो रिलेशन वाला रह ही नहीं गया गाइस, प्यार मोहब्बत वाला रह ही नहीं गया, लोगों के बीच में पैसे आ गए हैं गाइस, प्रॉपर्टी आ गई है, इसलिए एक दूसरे का जो विश्वास है, जो एक दूसरे का इज्जत है गाइस, जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे की, वो ख़त्म होती जा रही है और खजूर पे अटके गाइस। ये मूवी से इसको पूरी तरह एक्सपोज किया गया है गाइस, मुझे लगता है ये मूवी देख कर काफ़ी फैमिली गाइस काफ़ी कुछ सीखने वाली है और अपने जो झूठा जो दिखावा इस बोलते हैं तो फैमिलीपन का जो लोग करते हैं गाइस उनको एक्सपोज करने वाली है। अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं गाइस तो आप ये सब नहीं देखते हैं और मुझे लगता है ये मूवी गाइस काफ़ी औसम है और हर्ष शायन ने काफ़ी औसम स्टोरी लिखी है गाइस, मुझे लगता है ये हर एक हिंदुस्तानी के दिल को झकझोर देगा, प्लस इसमें काफ़ी फन है, कॉमेडी है और काफ़ी अच्छे वे से गाइस इन्होंने हंसते हंसते और लोगों को रुला दिया है गाइस और ये समझा दिया है कि एक्चुअली में रिलेशनशिप या बोलते हैं ना परिवार होता क्या है गाइस। मुझे लगता है इसकी भी एक हैप्पी एंडिंग जरूर होगी गाइस, मुझे लगता है हर छाया ने काफ़ी अच्छा सोच के रखा है। वैसे भी बॉलीवुड मूवी की जो लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है मुझे इससे भी उम्मीदें हैं कि इसकी भी जो हैप्पी एंडिंग होगी गाइस लोग काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे इस मूवी से। सो गाइस खजूर में अटके काफ़ी ऑसम मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, फन है, इमोशन है और बहुत कुछ है गाइस इसमें सीखने लायक, इंसान का नेचर है गाइस इस मूवी में, आपको काफ़ी पसंद आएगी और आप उससे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे और उससे अपने आप को काफ़ी चेंज कर पाएंगे। सो गाइस ये था मेरा रिएक्शन मूवी को लेकर, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, हम आपके सामने नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। सो गाइस सभी दर्शकों को जो सभी देखने वालों गाइस उनको धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया गाइस, हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमसे जुड़ते रहें गाइस और अपना व्यूज़ अपने कमेंट्स हमें देते रहें गाइस। सो बेल आइकॉन प्रेस कीजिए गाइस, वीडियो को शेयर कीजिए गाइस और अपने अंदर के इंसान को जगाइए। सो गाइस फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।